चाय बेचने वाले बहुत से लोगों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद किसानी का काम शुरू किया। इनका नाम है शशांक चौबे, जो कि गुजरात के वडोदरा से संबंध रखते हैं और अब अपना पूरा वक्त खेती में बिताते हैं। शशांक एक्वापोनिक्स तकनीक से मकान की छत पर जड़ी बूटियां और सब्जियां उगा रहे हैं। ये खेती पारंपरिक खेती से बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि एक्वापोनिक्स खेती में मछली के उपयोग से ये खेती की जाती है, जो बिना जमीन और पौधे के बीज को मिट्टी में बोए हुए होती है। हाइड्रोपोनिक्स ऐसा लैटिन जैसा नाम है, उसमें हाइड्रो को अपने पानी बोल रहे हैं और पोनिक्स को हम लोग काम करने का बोल रहे हैं, कि पानी के साथ काम करने का तरीका। तो पानी को अगर हम काम कर रहे हैं पेड़ों के साथ, तो पानी के अंदर क्या क्या होना चाहिए जिससे पानी का उपयोगिता हम लोग अच्छे से बना सकें। तो हम लोग पानी के साथ उसकी शक्ति बढ़ा देते हैं कि अपना खाद हम अलग से मिला देते हैं। तो साफ पानी है, तो जैसे कुदरत का जो बारिश का पानी है उसमें कुछ भी खाद नहीं है एकदम, तो हम उसमें खाद मिला के हमारे पेड़ को दे सकते हैं और वो खाद अपना पेड़ आराम से अपना प्रोपोगेशन, अपना ग्रोथ अच्छे से वो बढ़ा सकता है। और जो पानी उसको ज़रूरत नहीं है वो वापस हमारे सिस्टम में टैंक में आ जाता है। वो ज़मीन में अंदर नहीं जाने की वजह से हमारे पानी बचाने की जो ज़रूरत है और जो पानी ज़मीन से निकालने की ज़रूरत है वो बहुत नीचे आ जाती है। हमारा इस सिस्टम को यूज़ करने से हम 80% पानी बचा सकते हैं। जो मिट्टी में खेती हो रही है, जितना पानी चाहिए उसकी लागत हम 80% नीचे लेके आ सकते हैं इसी टाइप की खेती को करने से। साथ ही किसानी की इस तकनीक में परंपरागत खेती से लगभग 80% पानी की बचत होती है और लागत भी कम लगती है। इस तकनीक के माध्यम से उगाई जाने वाली सब्जियां ऑर्गेनिक होती हैं। मेरा मेजर काम सेलिंग का नहीं है, ये ब्यूटी है कि मैं ऐसा सिस्टम बना के लोगों को या उनको एनेबल करता हूँ कि वो खाना उगा सके, इसके लिए मैं यहाँ पर उगा रहा हूँ। नहीं तो मेरा मेजर काम सब्जी बेचने का नहीं है, मेरा है लोगों को, हर आदमी कोई खुद ही उगा ले। और बोलते हैं ना कि इंसान को खड़े होने के लिए जो चीज़ें चाहिए भाई, पानी, हवा और खाना, ये चीज़ मुफ्त होनी चाहिए। तो हवा तक तो अभी मुफ्त है लेकिन गंदा कर रहे हैं, पानी मुफ्त कम है, इतना महंगा भी नहीं हुआ, लेकिन खाना अभी भी महंगा है। तो हम खाना भी अगर ज़्यादा उगा रहे हैं तो हम किसी और को देने में हमें तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो खाना इतना उगा लो कि भाई फ्री हो जाए वो चीज़। तो हमारा जो मन का जो टेंशन होता है ना आधा टाइम, कि आज सब्ज़ी महंगी है तो मैं ये नहीं बना पाऊँगी, मेरा बजट बिगड़ गया, वो चीज़ का साइडलाइन हो जाएगा और आपके पास जो पैसे हैं वो आप बेहतर जगह पर लगा सको। काफ़ी ईजी है ये सिस्टम। और जो मैं बोलते हैं ना खाद के लिए हमें कंपोस्ट वगैरह जो मेहनत है मिट्टी खरीदने का या ट्रैक्टर चलाने का, वो मेहनत यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है वो वाली। अब यहाँ पर मेहनत है पेड़ बदलने की, पेड़ का ध्यान रखने की, ऐसा। तो मेरा यहाँ पर सिस्टम है, मैं बोरिंग का पानी यूज़ कर रहा हूँ ये सोच के कि मेरे सिस्टम में जो खाद की कमी है वो मुझे बोरिंग के पानी से आराम से मिल जाए। तो कुछ सिस्टम लगा रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके वजह से पानी थोड़ा साफ सुथरा रहे, सॉफ्ट रहे और पेड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहे। अब शशांक के इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना चाहते हैं, ताकि शहरों में बसे लोग खाने के लिए सब्जियां अपने घर की छत पर ही उगा पाएं। जो ख्याल है वो बहुत ही बड़ा ख्याल है वो चीज़। उस ख्याल के जो छोटी बात है वो मेरे साथ मेरी नौकरी के टाइम पे हुई थी दिल्ली में, जब लोगों को साफ सुथरा खाने के होने के चांसेस मतलब कम ही हो गए थे दिल्ली में, ऐसा मैंने सुना, न्यूज़ में भी सुना, यहाँ पर हमारे जी न्यूज़ में मैंने सुना था कि उन लोगों ने केमिकल टेस्टिंग की थी हैवी मेटल्स की पेड़ों की, और उसमें काफ़ी अमाउंट जो रिक्वायर्ड हैवी मेटल होने चाहिए पेड़ों के अंदर अगर है भी, वो उस दायरे से बहुत ज़्यादा बाहर थे। तो वो शुरुआत थी कि साफ़ सुथरा खाने की, और वो साफ़ सुथरा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही सिस्टम लेना। तब मैं था कंपोस्ट के, भाई हर आदमी के घर पे कंपोस्ट का सिस्टम बनाया जाए और वो घर में ही अपना उगाना शुरू करे। बट एक होता है ना कि लोग आसान बनाने के लिए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो एक इंसान ने मेरे को बताया कि भाई आप मिट्टी वाला काम छोड़ो, बिना मिट्टी के काम शुरू करो, जहाँ की आपकी जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी एक ही बार में, क्योंकि सारा काम आपको पानी में ही करना है और पानी की टंकी एक ही जगह होती है। तो वहीं से आपने आपको शुरुआत कर ली कि इस लाइन में आपको साफ़ सुथरा खाना है, तो पेड़ को आप क्या खिला रहे हो, आपकी जानकारी थोड़ी आसान हो जाती है जानना जब हम इसमें कर रहे हैं। जब कंपोस्ट कर रहे हैं तो हम वहाँ पर भी हम डाउट में रह सकते हैं, बट ऐसे सिस्टम को लेकर हमने डाउट फ्री हो जाते हैं कि हमने कुछ भी मिलावट नहीं की है जो पेड़ को पसंद नहीं है या जो इंसान को पसंद नहीं है।